हर वो मुसलमान लड़की जिसको पॉलीगेमी का शिकार नहीं बनना है, जिसको हलाला का शिकार नहीं बनना है, जिसको 50 बच्चे नहीं पैदा करने हैं, जिसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से मोहब्बत होगी, जिसको अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से मोहब्बत होगी, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में बात करेगी। ये सवाल पूछे शहबाज शरीफ से कि स्वेडन में जब कुरान जलता है तो पूरा पाकिस्तान क्यों निकल जाता है जुलूस और मीटिंग और मिचिल करने के लिए, और जुलूस निकालने के लिए बड़े बड़े बैनर और बोर्ड लेकर के पाकिस्तान की सरजमीन पर जब 150 साल की मंदिर तोड़ी जाती है तो ये शहबाज शरीफ की का मुंह क्यों बंद हो जाता है? क्यों? मैं नाजिया इलाही खान, मैंने आपके पाकिस्तान के यूट्यूबर के ऊपर केस किया है, एंड विद इन 1 month मैं उसको एक्सट्राडिट करके लेकर आऊंगी और कटघरे में खड़ा करूंगी। आज मैंने ओपन चैनल उसको नेशनल न्यूज पर दावा दिया है और मैंने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी उसको दिखाए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वकील ऑफ इंडिया। आज नाजिया इलाही खान अगर आपके साथ बैठ करके हिंदुस्तान की तारीफ में बात कर रही है तो कहीं ना कहीं ये बात तो झूठी है ना पाकिस्तान में कि मुसलमानों को यहाँ डिप्राइव किया जा रहा है। मैंने 1000 बार ये बात कही है कि मैं अल्लाह की मानने वाली हूँ, मैं मुल्ला की मानने वाली नहीं हूँ। शुएब भाई, मैं आपसे वायदा करती हूँ कि जिस भी चैनल पर बैठूंगी मैं उनसे कहूंगी कि आप एक सुर में लाइए और इंसानियत के बारे में बात कीजिए, और उन हिंदुओं की आस्था, उन हिंदुओं का विश्वास, उन हिंदुओं की मोहब्बत जो मंदिरों से जुड़ी है उसको भी आप श्रद्धा दिया जा रहा था कि इंडिया के जो मुस्लिम हैं उनके अगेंस्ट ये कानून बनाया जा रहा है। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, खासतौर पे लेडीज, खासतौर पे जो वहां की मुस्लिम खवातीन हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। लेकिन अब एक सर्वे आया है जो कि इंडियन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया भी जा रहा है। उस सर्वे के मुताबिक 67% जो मुस्लिम वुमेन है वो तो इस लॉ के फेवर में है। क्या कहना चाहेंगी इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस सर्वे के हवाले से? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो कोई भी यूसीसी का, जो भी हिंदुस्तानी, जो भी कास्ट और क्रीड के लोग, जो भी हिंदुस्तान में रहने वाले भारत के नागरिक हैं, अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, और अगर अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान एंटी इंडिया विरोधिता चला रहे हैं। वो तो ऐसे लोगों की जरूरत हमारे हिंदुस्तान की धरती को और हमारे हिंदुस्तान की भूमि को और हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी को, ऐसे लोगों की जरूरत कतई नहीं है जो पूरे पूरे इंडिया का विरोध करने के चक्कर में आ जाएं, क्योंकि अंबेडकर जी ने आर्टिकल 44 में पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कह दी थी। अब आती है बात कि आपने मुझे कहा कि 67% मुस्लिम वुमेन्स यूसीसी के फेवर में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में है, तो मैं कहना चाहूंगी कि क्यों ना हो भैया, दर्जन भर बच्चा पैदा करने के लिए यूसीसी का विरोध करें, हलाला का शिकार बनने के लिए यूसीसी के पक्ष में बात करें, और 3 तलाक की विक्टिमाइज होने के लिए यूसीसी के विरोधिता में उतर जाएं? क्यों? बात तो बहुत सारी उठ रही है ना। अगर शरिया लॉ के हिसाब से बात किया जाए तो भाई मुसलमान लड़कियों का हलाला भी हो सकता है, मुसलमान लड़कियां जो होती हैं वो बच्चा पैदा करने की मशीन होती हैं, मुसलमान लड़कियां जो होती हैं वो पॉलीगेमी का शिकार होती हैं, एक बिछौने पर चार चार औरतें होती हैं, एक मर्द होता है जिसको सुन्नाह का एरोबिक नाम दे दिया जाता है, मुसलमान औरतों को दबा करके कुचल करके रखा जाता है। तो भाई क्यों ना यूसीसी के फेवर में बात करेंगी मुसलमान महिलाएं? एडुकेशन में बढ़ने के लिए बात की जाती है तो मुसलमान औरतों के लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए बड़े बड़े उलमा और मौलवी और इमाम बोल देता है कि भाई नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इतने इतनी एडुकेशन ठीक नहीं है, नहीं तो वो मर्दों के बराबर आकर खड़ी हो जाएगी। एक ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊं तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए मुस्लिम रिचुअल और इडियोटिक और नॉनसेंस रीत रिवाज को खत्म करने के लिए, मुसलमान औरतों पर अत्याचार को खत्म करने के लिए, मुसलमान औरतों को असहाय, जो असहाय का एक हेल्पलेस का एक एनवायरमेंट बना करके रखा गया था, इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए ये 67% मुसलमान औरतों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात की है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि विरोधिता वो औरतें कर रही हैं
यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की विरोधिता वो मुसलमान औरतें कर रही हैं जो पर्टिकुलर किसी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं या वो किसी एनजीओ में काम करती हैं, जिस एनजीओ का बड़ा भारी भरकम फंड जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आता है। ऐसी जो खवातीन है वो मुसलमान खवातीन वो हिंदुस्तान में अपने बेनिफिट और अपने लालच के चक्कर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की विरोधिता कर रही है। हर वो मुसलमान लड़की जिसको पॉलीगेमी का शिकार नहीं बनना है, जिसको हलाला का शिकार नहीं बनना है, जिसको 50 बच्चे नहीं पैदा करने हैं, जिसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से मोहब्बत होगी, जिसको अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से मोहब्बत होगी, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में बात करेगी। जिसको जिसको एडुकेशन से मोहब्बत होगी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात करेगी। ठीक है नाजिया जी, ये चीज मैं जानता भी हूं और बिल्कुल डायरेक्टली ये कहना भी चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया का इंटरनल मैटर है। मतलब ये जो इशू है ये इंडिया का इशू है, हमारा डिस्कस इस तरीके से करना मेरा नहीं बनता है पाकिस्तानी। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके जब बात चली और ये पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया गया कि भाई वहां पे मुसलमानों के अगेंस्ट इस तरीके से कानून बनाया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ जहां पर पाकिस्तान में बैठ के बात करता हूँ, बहुत से लोग मोस्टली लोग इंडिया से देखते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान से भी देखते हैं, तो इसलिए इस इशू पे बात कर रहा हूँ। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का मीडिया हो या फिर इंडिया का मीडिया हो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खबर को उस तरीके से नहीं बता पाता या एक्सप्लेन नहीं कर पाते जिस तरीके से खबर होती है? चाहे अल्लाह अकबर गर्ल का जो एक इशू सामने आया कुछ टाइम पहले, और वो ये बताया गया इंडिया में मुसलमानों को अबाय से या हिजाब से पाबंदी की जा रही है, या फिर यहाँ पे अगर मंदिर का इशू आता है पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है कि मुसलमानों ने मंदिर पे अटैक कर दिया है या गवर्नमेंट की तरफ से मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया है। मीडिया का क्या रोल है? खासतौर पर पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कि पहले प्रोटेस्ट की खबरें आई, अब 67% वुमेन फेवर में ये ऐसी रिपोर्ट आई है, क्या कहना चाहेंगी मीडिया के हवाले से? देखिए, मैं तो कहना चाहूंगी कि हमारे हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत महत्व दिया जाता है, और आज से नहीं, एक जमाने से दिया जाता है। जब हम नेशनल न्यूज चैनल्स पर अपने इंडिया में बैठते हैं तो हमें अपनी बात रखने का उतना ही मौका दिया जाता है जितना यूसीसी के विरोध में जो लोग बैठते हैं उनको भी बात रखने की का पूरा मौका दिया जाता है। अब बात आती है तथ्य पर और बात आती है सत्य पर। अब जो सत्य पर रहता है वो जीत जाता है, और जो सिर्फ मिसगाइड करने के चक्कर में रहता है वो हार जाता है। जैसे कि अब लोग कह जो जो यूसीसी के विरोध में बैठते हैं और आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हम कुरान के हवाले से कुछ पूछते हैं तब वो मुल्ला और इमाम के पास कोई रिप्लाई नहीं रह पाता है। तो ये एक मैंने आपको बता दिया कि मीडिया का काम होता है दोनों पक्षों की बातों को सामने रखना, बिल्कुल और ये हमारे हिंदुस्तान की मीडिया बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैं सल्यूट करती हूँ हमारी मीडिया को कि वो दोनों पक्षों की बातों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली सामने रखती है, और जनता पर छोड़ा जाता है कि जनता को किसकी बात ज्यादा पसंद आई है। अब जनता को उसी की बात ज्यादा पसंद आती है जो ज्यादा से ज्यादा तथ्य और सत्य को सामने रख पाता है। जैसे मैं जब भी कोई बात करती हूँ तो मैं साथ में यूसीसी हो या 72 हूर हो या ट्रिपल तलाक हो तो मैं कुरान का हवाला जरूर देती हूँ, क्योंकि कुरान ने इन सब चीजों की ममानियत की है। पूरे 30 पारे में 72 हूर का कोई कंसेप्ट नहीं है। कुरान कहता है कि तलाक बुरी चीज है, जिस घर में तलाक होता है उस घर में रिस्क नहीं आती है, फरिश्तों की आमद नहीं होती है। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल मैं इसको इसको इस बात को अगर मैं बिल्कुल इस्लामिक और कुरान के हवाले से बताती हूँ तो लोग मेरी बातों को समझते हैं और उसको एक्सेप्ट करती हैं। मैंने 1000 बार ये बात कही है कि मैं अल्लाह की मानने वाली हूँ, मैं मुल्ला की मानने वाली नहीं हूँ। अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ कि देखिए, सूरह निसा, सूरह निसा में अल्लाह ने एक बात कही थी कि हमारी उम्मत नीचे धरती पर जितना गंद मचाएगी, जितना झूठ बोलेगी, जितनी मक्कारी करेगी। ये सूरह निसा बोल रहा है भाई, ये जी नाजिया नहीं बोल रही, ये सूरह निसा बोल रहा है। जितनी गलतियां करेगी, जितनी तकलीफें लोगों को देगी, तब हम एक फरिश्ता भेजेंगे वो सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए, और वो
पूरे एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए। जैसे पहले बहुत सारे प्रॉफिट आए और बहुत सारे प्रॉफिट में 25 प्रॉफिट अल्लाह के बहुत नजदीक और करीबी प्रॉफिट थे, उसी तरह से सूरह निसा में अल्लाह ने ये पैगाम अपनी उम्मतों के लिए भेजा है जो कुरान में अभी भी मौजूद है। तो क्या पता ये मोदी जी ही हैं वही फरिश्ता, क्योंकि कुरान ने तो ये बताया नहीं ना कि मैं हिंदू भेजूंगा कि मैं मुसलमान भेजूंगा, मैं महिला भेजूंगा कि मैं पुरुष भेजूंगा। तो यूसीसी जो है वो मुसलमान कम्युनिटी की गंध को साफ करने का एक जरिया है, एक तरीका है और एक महत्वपूर्ण स्टेप है हिंदुस्तान का, जिसको अंबेडकर जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था आर्टिकल 44 में। और बस अब इस गंध पे ताला लग जाए, इस गंध को साफ कर दिया जाए और मुसलमान औरतें अत्याचारित ना हो और ज्यादा मुसलमान औरतें सेक्स टॉय ना बने, मुसलमान औरतें पढ़ी लिखी हो, मुसलमान औरतों की अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हो, मुसलमान औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन ना बनकर रह जाएं, मुसलमान औरतें जहेज देने का एक जरिया एटीएम काउंटर कार्ड बन के ना रह जाएं, इसके लिए यूसीसी एक जरिया है, एक बहुत अच्छी चीज है जिसको हिंदुस्तान की 67% लड़कियों ने अप्रूव किया है। ठीक है, अगर मीडिया की बात करें, दोनों साइड मीडिया, आपको नहीं लगता कि अब जितनी तेजी से पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है, ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आज भी अगर हम बैठ के हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि ये आज के दौर में इस तरह के इश्यूज को सॉल्व ना कर पाना और इस तरह के इश्यूज पे डिस्कशन करना ही एक यूथ के इंसल्ट के बराबर है। कि मतलब आज भी हम अगर इस तरह की सोच रखें कि हिंदू ने ये किया, मुस्लिम ने ये किया, मुसलमान ये ऐसे हैं वैसे हैं, हमें ह्यूमैनिटी को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है और मीडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है, किस तरीके से जो खबर है उसके दोनों एंगल दिखाए जाएं और जो सच है उसे सामने लाया जाए। मैंने पाकिस्तान में जो मंदिर डिमोलिश है इसके हवाले से भी आपसे बात की कि मेन स्ट्रीम मीडिया, इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया पे ये दिखाया गया, आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? क्या आपने आप अब आपका क्या ख्याल है, जब आपने शायद मेरी वीडियोस या बाद में बहुत से लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड की, तो क्या समझती हैं जो पहले दिखाया गया और जो अब दिखाया गया? देखिए शुएब, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। अब बात आती है कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जो इस्लामिक देश है, ठीक है, और मुझे आज तक, मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30-12 बमायने पढ़ा है और जिस लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ मैंने उस लैंग्वेज में पढ़ा है ताकि मैं सही से कुरान को समझ सकूँ। मुझे आज तक मुसलमान कम्युनिटी का एक वो गुस्ताखी वाला तो समझ में नहीं आया कंसेप्ट, बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि 30 पारे ने तो कहीं पर नहीं कहा है कि भाई ये कर दोगे तो गुस्ताखी हो जाएगी, वो कर दोगे तो गुस्ताखी हो जाएगी। अब देखिए, हमने मुल्ला को सिर्फ मुल्ला बोल दिया तो मुसलमान बोलेंगे कि तुम गुस्ताख हो, हमने इमाम को इमाम साहब ना बोल करके सिर्फ इमाम बोल दिया तो मुसलमान कहेंगे कि तुम गुस्ताख हो, हमने अगर कह दिया कि मजार परस्ती गुना है, भाई भाई प्रॉफिट मोहम्मद भी कह रहे हैं, अल्लाह के सबसे सबसे नजदीकी फरिश्ते जिब्रेल भी कह रहे हैं कि मजार वर्शिप जो है वो सिन है, वो पाप है, तो कह दिया जाएगा कि तुम गुस्ताख हो। देखिए, नॉर्मल गली कूचे में जब किसी लड़के का नाम मोहम्मद या अली होता है तो उसको लोग तो मोहम्मद और अली ही पुकारते हैं ना, जी बिल्कुल, मोहम्मद और अली ही पुकारते हैं, पर जैसे ही कोई हिंदू अगर मोहम्मद और अली बोल देगा तो कह दिया जाएगा कि भाई ये गुस्ताख है। तो ये कंसेप्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। अब मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है कि आप पाकिस्तान इस्लामिक देश में रह रहे हैं, आपने मंदिर के लिए 2-4 न्यूज़ बना दिए तो आपको धमकी आ गई, आप सोचे। हालांकि कितनी बड़ी बात है, कुरान खुद कहता है लकुम दीनकुम वलय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो, तो आप क्या मान रहे हैं भैया? आप 30 पारा मानने को तैयार नहीं है, आप 30 पारे का मतलब मानने को तैयार नहीं है, आप सुन्नत रसूल मानने को तैयार नहीं है, आप सुन्नत पे जितनी बातें कही गई हैं आप उसको ठीक है, मानने को तैयार नहीं है। कुरान कहता है 306 बार या अय्युहन्नास ओ मैनकाइंड, लेकिन आप इंसानियत मानने को तैयार नहीं है, तो मतलब सुन्नत रसूल में से 4 थी क्या, ठीक इसके है, अलावा कुछ नहीं था क्या? मैं पूछना चाहती हूँ पाकिस्तान की जनता से कि आज अगर सबके सब लोग ये सवाल पूछें शहबाज शरीफ से कि स्वेडन में जब कुरान जलता है तो पूरा पाकिस्तान
क्यों निकल जाता है जुलूस और मीटिंग और मिचिल करने के लिए और जुलूस निकालने के लिए बड़े बड़े बैनर और बोर्ड लेकर के। पाकिस्तान की सरजमीन पर जब 150 साल की मंदिर तोड़ी जाती है तो ये शहबाज शरीफ की का मुंह क्यों बंद हो जाता है? क्यों? वो आपके लोग नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, समाज ये कि वो हिंदू है इसलिए आप अत्याचार करेंगे उस पर। ये कौन सा कुरान बताया है? ये कौन सा सुन्नत बताया है? नाजिया जी, आप शायद मेरे क्वेश्चन को उस तरीके से समझी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया किस तरीके से मिस गाइड करता है, किस तरीके से मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है दोनों साइड से, कि एक खबर को, चाहे मंदिर डिमोलिश की खबर हो पाकिस्तान में या फिर इंडिया में अल्लाह अकबर गर्ल की खबर हो, किस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया या इंडिया का मीडिया अपने ही मतलब एक खबर को बना के सामने लेकर आता है, क्या इससे मजीद नफरत नहीं बढ़ती? जैसे मैंने मैंने यहाँ पे कवर किया, मुझे पता चला कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई इशू नहीं है, ये मंदिर का जो इशू है ये। जी आपके इस टॉपिक पर आने से पहले मुझे ये क्लियर करना जरूरी था, नहीं तो व्यूअर्स को समझ में नहीं आता। मुझे ये जी ठीक क्लियर करना ही था। अब मैं आपके टॉपिक पर आती हूँ। ठीक सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, मीडिया की एक अहम भूमिका होती है। जो चीजें हर घर घर के लोग और हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है और देख पाता है, मीडिया दोनों पक्षों से उन चीजों को समझाती है। आज मीडिया इतनी वास्ट और फास्ट हो चुकी है कि एक छोटी छोटी घटना भी कैमरे में कैप्चर होती है और लोग, जनता जो है वो घर बैठे देखती है और अपने अपने डिसीजन को बहुत स्मूथली वो प्रेजेंट कर पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। ये बात मैं सच कहूंगी। लेकिन अब बात आती है कि हमारे हिंदुस्तान में 99.9% मीडिया जो है वो दोनों पक्षों की बात बताती है और रियलिटी को बताती है, कभी भी मिस गाइड नहीं करती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्ट को मिस अप्रोप्रिएट तरीके से दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इंडिया में दूसरे बड़े चैनल्स उस चीज को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, एकदम क्लियर कर देते हैं, हर हाल में क्लियर कर देते हैं। अब आती है बात कि मैं फिर से आपको इंडिया के बारे में बता दूं कि हमारे अंदर इतनी साहस होती है हिंदुस्तान में कि अगर कोई मीडिया गलत चीजें गलत तरीके से प्रेजेंट करके बताती है तो हम उसका पोस्टमार्टम आराम से कर लेते हैं, हम उसको लीगल नोटिस भेज देते हैं, हम उससे मांग लेते हैं, हम उससे प्रूफ मांग लेते हैं, हम उससे सत्य मांग लेते हैं, कोर्ट के दरवाजे पर उसको खड़ा कर देते हैं और पूछते हैं कि बताओ। समझ में आई आपको बात? जी अभी मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बता देती हूँ कि ये जो मंदिर टूटने की बात बार बार आ रही है, ये आपका सवाल नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ ताकि व्यूअर्स को समझ में आए। जी आपके पाकिस्तान का ही एक यूट्यूबर हर रोज हमारे नेशनल चैनल पर सीमा हैदर को लेकर के बात करता है कि वो पाकिस्तान की नहीं है। मेरा सवाल है कि अगर वो पाकिस्तान की नहीं है तो सीमा के लिए वो मंदिर क्यों तोड़ी गई ये 150 साल की? ये बिल्कुल पहले वीडियो क्यों वायरल किया गया कि सीमा हैदर को अगर नहीं भेजोगे तो हम हिंदू पर अत्याचार करेंगे, मंदिर तोड़ेंगे, और उसके कुछ दिन के बाद 150 साल की मंदिर टूट गई। दूसरा सब दूसरा दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी। मैं नाजिया मीडिया की बात करती हूँ। लेट मी फिनिश, मैं सिर्फ 30 सेकेंड और लूंगी। अब बात आती है कि वो कह रहा है कि वो दुबई में बार डांसर है और इंडियन के कोई पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है, सीमा हैदर वाले पूरे चैप्टर में। उससे 6 दिन से पूछा जा रहा है कि तुम उसका नाम लो, वो इंडियन पॉलिटिशियन पिछले 10 मिनट में जेल के अंदर होगा। उसने नहीं कहा, मिसलीड किया, मिसगाइड किया। मैं नाजिया इलाही खान, मैंने आपके पाकिस्तान के यूट्यूबर के ऊपर केस किया है एंड विद इन 1 मंथ मैं उसको एक्सट्राडिट करके लेकर आऊंगी और कटघरे में खड़ा करूंगी। आज मैंने ओपन चैनल उसको नेशनल न्यूज पर दावा दिया है और मैंने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी उसको दिखाए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वकील ऑफ इंडिया। ठीक है।
नादिया जी एक चीज मैं क्लियर करता चलूं फिर आगे चलेंगे, और इस बात से मैं 110% एग्री करता हूं, बल्कि मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि जो ऑडियंस है खासतौर पे इंडिया की ऑडियंस है वो इस चीज को डीपली ऑब्जर्व करती है। कोई भी इशू हो उनकी कोशिश ये होती है, मैं अपनी ऑडियंस की बात करूं बड़ी तादाद में इंडिया से है, वो देखते हैं कि रियलिटी क्या है, खबर है क्या सच में, और उसे दिखाया किस तरीके से जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की खबर हो या इंडिया की खबर हो, मैं एग्री करता हूं। लेकिन एक चीज जो आपने 150 साल पुराने मंदिर की बात की है, देखिए अगर मैं लाहौर में बैठा होता तो शायद मैं आपकी इस बात से एग्री करता कि सीमा की वजह से इस मंदिर को डिमोलिश किया गया है, लेकिन मैं यहां पे बिलीव मी यहां पे मैं आया हूं और इस केस को पर्सनली लेके चल रहा हूं, और मैं जानता हूं कि सीमा का इस मंदिर के साथ इस केस के साथ दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। इवन मैं अगर यह भी कहूं कि मुस्लिम का कोई लिंक नहीं है, वो इमरान शमसी नाम का एक बंदा इन्वॉल्व है खबरों के मुताबिक, लेकिन ये अगर तासुर दिया जाए कि भाई मुसलमानों ने हिंदुओं का मंदिर तोड़ा है, तो देखें शायद किसी को मेरी ये बात डिसएग्री करें, आपका राइट है, लेकिन इस केस के लिए मैं बिल्कुल क्लियरली 100% कंफर्म होकर ये कह सकता हूं कि ये केस में मुसलमानों का एज सच कोई कंसर्न नहीं है। मैंने दोनों साइड की राय ली, ओपिनियन ली, जो जो मद्रासी कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ खड़ा हूं और वो भी ये स्टेटमेंट देते नजर आते हैं, दूसरी साइड पे जो वो लेडी हैं उनकी भी मैंने बात सामने रखी, वो भी ये स्टेटमेंट देती नजर आती है। चीज ये कहने का मतलब है कि जब एक खबर को आप हिंदू मुस्लिम के ऊपर ले आते हो, कोई भी इशू हो उसको हिंदू मुस्लिम के ऊपर ले आते हो, तो बहुत सी चीजें बढ़ जाती हैं, इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, नफरतें बढ़ जाती हैं दोनों कम्युनिटी के लोगों में। अभी मैं बोल दूं शोएब, जी, कोई डिस्प्यूट चल रहा था क्या वो 150 साल की मंदिर पे? कोई लीगल डिस्प्यूट था क्या? जो जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है नाजिया जी उसके मुताबिक जो रेखा नाम की खातून है लेडी है, उन्होंने वो वहां पे उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स वहां पे मैं हिंदू आपसे सवाल क्षेत्र। कुछ और कर रही हैं, आप जवाब कुछ जी और जी दे जी रहे हैं। कोई कानूनी डिस्प्यूट था उस 150 साल की मंदिर पे? कानूनी डिस्प्यूट तो नहीं था, वो उनका पर्सनल डिस्प्यूट था। क्या पाकिस्तान के किसी सुपीरियर कोर्ट ने, बड़े कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने, पाकिस्तान के किसी ऑनरेबल कोर्ट ने ये अप्रूवल दिया था, ये ऑर्डर दिया था, ये जजमेंट दिया था कि कोर्ट का जजमेंट या ऑर्डर है? 150 साल की मंदिर तोड़ना कोई मुंह की बात नहीं होती है। कोई कोर्ट का ऑर्डर था उस 150 साल की मंदिर को तोड़ने के लिए? नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह, मैं ये नहीं बोल रहा अरे कि कोर्ट का, अरे अरे नहीं, मेरी बात को आप अरे भाई, समझिए हमारे मैम, आप मेरी बात को, लेट आप मेरी मैंने बात को मैंने बहुत समझिए। शांति से आपकी बात सुनी, मैंने बहुत शांति से आपकी बात सुनी, मैंने बहुत शांति से आपकी बात सुनी। ठीक है, एक चबूतरा भी जब तोड़ा जाता है ना, हमारे हिंदुस्तान की मैं बात कह रही हूँ, एक चबूतरा भी जब तोड़ा जाता है ना, तो भी कॉरपोरेशन से हम लोगों को परमिशन लेना पड़ता है। अपने घर में रेनोवेशन करवाना पड़ता है ना, तो हम लोगों को पहले कॉरपोरेशन से अपील करनी पड़ती है कि ये ऑल्टरेशन है और ये रेनोवेशन है और ये इंटीरियर है, ये लिस्ट देना पड़ता है। ठीक है, ठीक 150 साल की मंदिर को तोड़ने से पहले किसी कानून से तो पूछा गया होगा ना, कोई ऑर्डर तो निकाला गया होगा ना। है, तो फिर आपके, या तो फिर आप सही हैं शोएब, और या तो फिर आपके पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन सही है। नहीं, नादिया जी, अगर मैं आप ये बात सही हैं, ओपनली कहता तो नजर आ रहा हूं, आप अगर मेरी वीडियोस मैं देखें। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी। ठीक है, अगर आप सही हैं, तो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो लोग हर रोज एक नोटिस इशू कर रहे हैं और दुनिया के विभिन्न जगह पर भेज रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बहुत दर्जन दर्जन के हिसाब से मंदिरें तोड़ी गई हैं, दर्जन के हिसाब से कन्वर्शन करवाया गया है, दर्जन के हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार पाकिस्तान में किया गया है, 13 साल से पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन कंप्लेन करते करते परेशान है, आपके पार्लियामेंट का वीडियो मेरे पास है, आपके पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये बात उठी है कि सीमा हैदर गई अपनी मर्जी से है, पर उसके लिए हिंदुओं की मंदिर तोड़ दी जाए, साहब ये कहाँ का न्याय है? अगर वो मंदिर किसी हिंदू ने भी तोड़ी है, तो ये मैं मानती हूँ आपकी 1 सेकंड में बात कि हाँ हिंदुओं ने तोड़ दिया है, दिखाइए मेरे को दस्तावेज, दिखाइए मेरे को, बताइए मेरे को कोई डॉक्यूमेंट बताइए। ऐसा ही उस है, पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार नहीं है उसमें।
मैंने आप अब इतना मुझे बड़ा मौका ह्यूज देंगी, शॉपिंग मुझे आप कॉम्प्लेक्स मौका देंगी बनेगा, थोड़ा सा टेंडर बोलने कौन का? देगा? इतना जी बड़ा ह्यूज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, टेंडर कौन देगा? आप सरकार ही मुझे जी देगी ना टेंडर। आप मैं क्या बोल सकता हूं इसके ऊपर, इस केस को, इस केस के हवाले से? जी मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि, और ये ह्यूमन राइट के जो रिपोर्ट्स आती हैं उनसे भी एग्री करता हूं, मैं खुद ये कहता नजर आ रहा हूं, मैं खुद आवाज उठाता नजर आ रहा हूं कि भाई इश्यूज हैं, लेकिन इस केस को लेके मैंने क्लियर करना चाहा कि मुसलमान ऐसा जो हिंदू मुस्लिम कहा जा रहा है, मैं अपनी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है जो वो यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा, हर एक की अपनी ओपिनियन है जो मैंने यहाँ पे आके नोट किया, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं कि भाई इशू है, और गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई चाहे हिंदू ने तोड़ा चाहे मुस्लिम ने तोड़ा, तोड़ा तो क्यों तोड़ा, किसकी जरूरत क्यों हुई, क्या मस्जिद को हाथ लगाने की किसी की जरूरत हो सकती है? नहीं हो सकती, तो मंदिर को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि खास तौर पे इस केस में जो बताया जा रहा था या तासुर दिया जा रहा था कि भाई मुसलमानों ने अटैक किया, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट के कसूर है या नहीं है, गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके ऊपर अगर एक्शन नहीं ले रही, इसके ऊपर काम नहीं कर रही, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कसूर है, कहीं भी किसी भी जगह पे अगर मस्जिद हो या मंदिर हो, अगर उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा चाहे इंडिविजुअल की तरफ से, अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो वो इंडिविजुअल को तो बात की जाएगी, साथ ही साथ उस इलाके की, उस स्टेट की, उस कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर भी सवालिया निशान उठेगा। मैं एग्री करता हूं और इसी के अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूं, इसी को, इन्हीं चीजों को, इन्हीं इश्यूज को लेके मैं चल रहा हूं, लेकिन मेरा जो मकसद था वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। बहुत अच्छा कहा है आपने, लेकिन कोई कार्रवाई क्या हुई है? कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? पुलिस के सामने मंदिर तोड़ी गई है? कुछ तो पता नहीं चला। बेचारा आपका पाकिस्तान का ह्यूमन राइट कमीशन अभी शायद कल भी, आई थिंक, मेरे को लगता है 19 या 20 घंटा पहले भी ट्वीट भी किया है और मेल भी भेजा है 10 जगह। वो तो बेचारा परेशान है, वो तो कह रहा है कि यहाँ के मुसलमान तो हिंदुओं को जीने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वहां से भी मेरे से कांटेक्ट किया गया है, मुख्तलिफ जगहों से मेरे से कांटेक्ट किया जा रहा है, और हम इस केस को, आपने बोला इसके ऊपर क्या हुआ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला, आप इस बात से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, देखने वाले भी, नाजिया जी आप भी, अगर मैं अकेला यहाँ पे आके आवाज उठा रहा हूं तो ये चीज मैं 110% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने भी यहाँ पे यूट्यूबर हैं, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जितने भी खुद को पीस के कबूतर उड़ाते नजर आते हैं, मिनोरिटीज की बात करते नजर आते हैं पाकिस्तान में, अगर सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए यहाँ पे आके मेरे साथ खड़े हों, जैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आके इनकी आवाज बनने की, और वो लोग जैसे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बिलीव मी, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूबर, सोशल एक्टिविस्ट, सिर्फ 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, मैं गारंटी से कहता हूँ आके